Welcome to my channel. Today we will discuss about motion in a plane, and in this topic we will cover the scalars and vectors, and especially parallelogram law of vector addition and triangle's law of vector addition. These all the parts will cover. So let us start. So hum log pehle baat karenge motion in plane mein ki what is a वेक्टर और व्हाट इज स्केलर. अगर हमें स्केलर और वेक्टर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है. व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी. लाइक सिंपली वी से कि अगर हमें किसी से पूछना है कि आपका मास कितना है, लाइक एनीबॉडी आस्क टू मी व्हाट इज माय मास, तो मैं जवाब दूंगा कि मेरा मास या वेट जो है वो 70 kg है. 70 kg. अब इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है. तो ये दो टर्म्स आते हैं, एक 70 है, दूसरा केजी है. तो 70 क्या है, मैग्नीट्यूड है, एंड केजी क्या है, यूनिट है. तो मास क्या हुआ हमारा, मास इज काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सिंपल वे दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. तो वन बाय वन जस्ट वी विल राइट अबाउट दोज ऑल द थिंग्स. तो सबसे पहला टर्म हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द टर्म फिजिकल क्वांटिटी. सो फिजिकल क्वांटिटी, सो सिंपली वी कैन से फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. दोज क्वांटिटीज विच कैन बी measured. Okay, those quantities which can be measured. And as I mentioned कि physical quantity को हम दो term में express करते हैं, एक है magnitude और दूसरा क्या है, unit है. हम उसके बारे में भी discuss करेंगे. तो हम पहले एक काम करते हैं कि हम magnitude and unit क्या होता है वो part discuss कर लेते हैं. So anyway, just physical quantity is expressed in terms of physical quantity can be expressed in terms of magnitude and unit. Like example way we can say ki agar hame koi bolta hai ki aapka mass kitna hai, that example again I am going to repeat. If anybody asks to us ki what is your mass, to example we can write mass of any body is 70 kg. So here we have two terms, one is 70 which is a number and another is kg. To kg is the unit of mass. So we can say 70 क्या है, 70 एक नंबर है, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, एंड केजी इज द यूनिट. दिस नंबर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, नंबर इज मैग्नीट्यूड. नाउ वी कैन डिफाइन द टर्म्स, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट आर द यूनिट्स. तो हम लोग अभी डिफाइन करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है. सिंपल वे, जस्ट वी कैन राइट द डेफिनेशन मैग्नीट्यूड. व्हाट इज मैग्नीट्यूड, एनी न्यूमेरिक वैल्यू और नंबर, एनी न्यूमेरिक वैल्यू और सिंपली नंबर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. देन व्हाट इज यूनिट, यूनिट as a reference standard used for the measurement. Reference standard used for the measurement. Like we'll say, अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें कि अगर हम किसी शॉपकीपर के पास गए, लाइक कपड़े का शॉपकीपर है, उसके पास हम कपड़े लेने के लिए गए,
तो हमने बोला एक मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो वो क्या करता है यूजुअली उसका जो टेबल होता है उसके ऊपर दो जगह वो मार्किंग करके रखता है और वो दोनों मार्किंग के बीच में कपड़े को ऐसे लगाता है एंड दैट ही कट फ्रॉम देयर एंड दैट ही प्रोवाइड अस। सो सिंपली वी कैन से कि वो दो मार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका 1 मीटर है, वो उसके लिए क्या है एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। आई थिंक सो इट बिकम सो क्लियर व्हाट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड। लाइक हम लोग किसी और जनरल बात करें कि अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है उसके लिए हमें शूज खरीदना है और हम उसको लेके नहीं जाना चाहते तो हम क्या करते हैं एक थ्रेड लेके उसके पैर का नाप ले लेते हैं और फिर वही लेके जाते हैं शॉपकीपर के पास और बोलते हैं इतना बड़ा पैर है, तो वो थ्रेड का जो लेंथ है वो हमारे लिए क्या हो गया दैट बिकम्स अ व्हाट रेफरेंस स्टैंडर्ड। सो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो हमने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एंड आई हैव मेंशन द एग्जांपल फॉर दैट, दैट्स ऑल। ओके, नाउ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, वन इज स्केलर अनदर इज वेक्टर, स्केलर्स एंड वेक्टर्स वी कैन से। तो स्केलर्स क्या है एंड वेक्टर्स क्या है, जस्ट वी हैव टू डिफाइन दीज टू टर्म्स। अब अगर हम बात करें स्केलर का, तो स्केलर लाइक बाय डेफिनेशन वी से व्हाट आर द स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट आर द वेक्टर्स, वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। लाइक सिंपल वे वी कैन से एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, नाउअडेज क्रिकेट्स आर इन ट्रेंडिंग, तो सपोज इन एनी क्रिकेट मैच विराट कोहली हिट अ सिक्स, तो अगर कोई मैच देख रहा है लाइक लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन द दे आर वॉचिंग द क्रिकेट ऑन टेलीविजन एंड कोई एक किचन में है जो चाय बनाने के लिए चला गया, तो सपोज एट एनी टाइम विराट कोहली हिट अ सिक्स, विराट कोहली ने सिक्स मारा, सो जो लोग मैच देख रहे थे स्टार्ट टू चीयर अप, व्हाट अ सिक्स। सो जो क्रिकेट मैच नहीं देख रहा है वो इनका चीयर अप सुन के फिर सपोज पूछा कि व्हाट हैपेंस, तो लोगों ने बताया, दो स्टेटमेंट आए, दो लोगों ने बोला, वन पर्सन सेज कि विराट कोहली हिट अ सिक्स एंड अनदर पर्सन सेड विराट कोहली हिट अ सिक्स इन लेग साइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एक ने बोला सिक्स मारा, नंबर बोला सिक्स, मैग्नीट्यूड है, नंबर है, और दूसरे ने बोला सिक्स इन लेग साइड, लेग साइड डायरेक्शन बता दिया लेग साइड और सिक्स भी बोला, तो मैग्नीट्यूड बोला, नंबर बोला, सिक्स बोला और डायरेक्शन भी बता दिया कि लेग साइड, तो दूसरे ने जो लेग साइड बोला और सिक्स बोला उसने वेक्टर बोला और जिसने सिर्फ सिक्स बोला उसने स्केलर बोला। तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड आ गया, सिक्स आ गया, और वेक्टर में क्या आ गया, वेक्टर में सिक्स इन लेग साइड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए। तो सिंपल वे वी कैन से स्केलर क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर्स क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्केलर को हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट आर द स्केलर्स, स्केलर्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, जिनमें क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ओनली। एंड व्हाट आर द वेक्टर्स, वेक्टर्स आर दोज
physical quantities, those physical quantities which having magnitude as well as directions, जिनमें दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स. सो एग्जाम्पल वी कैन राइट, एग्जाम्पल हम लोग वेक्टर्स के लिख सकते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, बट बेसिक बता रहा हूँ. डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और किसकी ज़रूरत होती है, वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की भी, एक्सीलरेशन इन सॉलिड वेज राइट लाइक दिस, मोमेंटम, देन फोर्स एक्सेट्रा वी कैन से. ये सब क्वांटिटीज़ क्या हैं जिनको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की ज़रूरत है. और स्केलर्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग. अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर मास, देन वी से 60 kg. तो कभी कोई पूछता है which direction? No, never anybody say like that. सीधी सी बात है, उसको direction की ज़रूरत नहीं है. अगर कैसा लगेगा, बहुत अजीब लगेगा अगर हमने किसी को बोला हमारा जो मास है वो 70 kg north है, तो it is not, it can't be justified, right? तो मास एक scalar quantity, area scalar है, length scalar है, time scalar है. What is the time right now? We can't say. We can say, but with the direction we can't say. We can't say right now it is almost 6:30 in east or west. Not at all. It is not justified. तो हम ये example नहीं दे सकते. मतलब तो scalar time क्या है? Scalar है, क्योंकि उसके लिए direction justified नहीं होता है. ठीक है, तो ये classification रहा हमारा physical quantity का. अभी हमें पूरे टॉपिक में वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर्स. तो वेक्टर क्या है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो. अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में. व्हाट आर द वेक्टर्स? सो वेक्टर्स, व्हाट आर द वेक्टर्स? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ऑलरेडी अर्लियर ये डेफिनेशन हमने पढ़ा. सो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी रिप्रेजेंट द वेक्टर लाइक दिस वे. ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, या फिर फाइनल या एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर, दिस एरो पार्ट, और वी से टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर. और जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ लाइक दिस इज देयर, तो जहां से स्टार्ट हुआ वो हम लोग उस पॉइंट को टेल ऑफ द वेक्टर बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर बोल सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर बोल सकते हैं. मैं पूरे लेक्चर में आई विल यूज टू वर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर. दिस काइंड ऑफ वर्ड आई विल यूज. दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द टाइप ऑफ वेक्टर्स. व्हाट आर द टाइप ऑफ वेक्टर्स? First I have written unit vector. As per the name it is very clear to us. Unit. Unit matlab one. Unit means one. So aisa vector jiska magnitude one ho. To kisi vector ko agar hum use uske magnitude se divide kar denge to hume unit vector milega. So simple way hum define kaise kar sakte hai. What is the unit vector? Unit vector is the vector whose magnitude is one unit. That is simply unit vector. So I have written a vector having unit magnitude, that is called unit vector, unit magnitude. Or second part also I have mentioned, a vector obtained by dividing by its magnitude. Agar koi vector hai usko hum uske magnitude se divide kar de to kya bachega? यूनिट वेक्टर. लाइक 5 meter north है, उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 meter north हो जाएगा.
तो फाई क्या है? मैग्नीट्यूड है. हमने अगर किसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है? यूनिट वेक्टर. सो सिंपल वे, यूनिट वेक्टर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत जगह यूज होगा आगे, ट्वेल्थ में मैथ्स में भी यूज होगा, अलेवेंथ में फिजिक्स में यूज होगा, एट सो मैनी प्लेसेस. तो मैग्नीट्यूड, अगर किसी हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर. ओके, सो दिस पार्ट ऑलरेडी हैव मेंशन, अ वेक्टर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. उसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है. लेट ए, ए के ऊपर हमने ऐसा एरो लगा दिया, तो दिस वी विल रीड इट एज वेक्टर ए. सो ए बी एनी वेक्टर, और ये मॉड का साइन है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ वेक्टर ए विच वी राइट ए. अभी यहाँ वेक्टर नहीं है तो मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया, बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. सो यूनिट वेक्टर हमने क्या बताया कि वेक्टर ए को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें. हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं. सो नो नीड टू बी कन्फ्यूज, मैं यूनिट वेक्टर ऐसे हम लोग लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को कैप से लिखते हैं, कैप टोपी, टोपी बिना देते कैप, ए कैप. तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि दोनों सेम है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज ए, आई हैव मेंशन ओवर हियर. सो एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव अस यूनिट वेक्टर. तो ए कैप क्या हमारा? यूनिट वेक्टर है. अब सबसे बेस्ट पार्ट है, इसी को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, सो वेक्टर ए हमें क्या मिलेगा? वेक्टर ए दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विच इज हियर, एंड ए कैप विच इज डायरेक्शन. तो यूनिट वेक्टर हमेशा हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है. तो यूनिट वेक्टर हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं. सो वेक्टर ए विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए विच इज द डायरेक्शन. तो कोई भी वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है. यहाँ मैंने लिखा भी है, यूनिट वेक्टर टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर. अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे. सो जस्ट वी विल सी वन बाय वन, हालांकि ये बहुत इजी पार्ट है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज द इक्वल वेक्टर. नाम से ही क्लियर है, दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब बोल सकते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है. तो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर लिया है, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू. दोनों का डायरेक्शन सेम रखा है और दोनों का लेंथ सेम रखा. लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड हो गया. तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन सेम है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? कि दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स. सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. सो यहां पे वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू दोनों कैसे हैं? इक्वल वेक्टर्स हैं. सो वी विल से वेक्टर पी इज इक्वल्स टू वेक्टर क्यू. नेक्स्ट पार्ट वी हैव नेगेटिव वेक्टर्स. नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव नेगेटिव भी क्लियर है कि एक दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर डायरेक्शन बदल गया तो हम लोग उन्हें बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर्स. लाइक अगर हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसको माइनस एक्स हम लोग लिख सकते हैं, इसको प्लस एक्स लिख सकते हैं. तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सिस एक ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए एक को पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं, एक को नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं. तो नेगेटिव वेक्टर की हम बात कर रहे हैं. तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? दो वेक्टर्स अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो हम उन्हें क्या बोलने वाले हैं? दे विल बी नेगेटिव वेक्टर्स. सो सिंपली वी कैन से टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शंस. सो
two vectors are said to be equal, said to be negative if they have equal magnitude but and they are in opposite directions. So equal magnitude and opposite directions. तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि वेक्टर p इज इक्वल्स टू माइनस आ वेक्टर q. अब क्योंकि हम इक्वल कर रहे हैं तो इक्वल तो है नहीं, डायरेक्शन उनका अपोजिट है. सो नेगेटिव इज फॉर द अपोजिट डायरेक्शंस. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स क्या है? दो वेक्टर्स पैरेलल लाइन की अगर हम बात करें तो ऐसे ये लाइन पैरेलल लाइन है. तो अगर उनका डायरेक्शन सेम हो गया तो उनसे कि दे आर द पैरेलल वेक्टर्स. तो ये वेक्टर p है, दिस इज वेक्टर q, दोनों पैरेलल वेक्टर्स है. क्यों? इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, अलग अलग है, बट दे हैविंग सेम डायरेक्शन. अगर इनका डायरेक्शन सेम हुआ तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? दे आर पैरेलल वेक्टर्स. सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन. ओके, सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन. उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. हियर P and Q are parallel vectors. P is parallel to vector Q. Next part is the position vector. Position vector क्या होता है कि कोई भी vector है उसको हम लोग coordinate से, like कोई भी point है उसका coordinate से उसका vector क्या होता है, that is called the position vector. So with respect to coordinate, that we have to remember. Suppose अगर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट ए दिया हमें लाइक एक्स वाई और यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट हमें एक्स वन वाई वन है, तो एक वेक्टर हमें मिला और इसका कोऑर्डिनेट हमारा जीरो जीरो है, तो दिस वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर ओ ए. वी विल से ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर एंड ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर. तो इनका रिजल्ट एंड जो होता है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसके बाद वाला पार्ट. ये हमारा रिजल्ट एंड वेक्टर होगा. तो रिजल्ट एंड वेक्टर ए बी विल बी वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए. कैसे होगा ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट इसके बाद वाला पार्ट. तो यहां पे मुझे ये बताना है कि ओ ए एंड ओ बी आर द पोजीशन वेक्टर्स. तो कोई भी वेक्टर अगर कोऑर्डिनेट से हम लोग मेजर करते हैं, कोऑर्डिनेट से लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? That will be called as position vector. Okay. Now next part is the resultant vectors. What are the resultant vector? वो मैं यहीं पे बताने वाला था कि एक vector हमारा OA है, दूसरा OB है, तो ये इसका resultant vector हो सकता है, vector AB. तो इस part में resultant vector इसका जो है वो OB है. ये कैसे आया वो हम decide करेंगे. Like अगर मैं ये बोलूँ, लाइक जो यहाँ पे लिखा है हमने ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी, तो ये एक वेक्टर है, दूसरा ये है, दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब दो वेक्टर्स को एक ही वेक्टर से, दो वेक्टर के सम को या डिफरेंस को अगर हम एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें तो हम उसे उसका रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे. ओके, तो डेफिनेशन आई हैव रिटन द सेम. इफ एडिशन ऑफ टू आर मोर वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेक्टर, लाइक एग्जांपल आई विल से ये हमारा वेक्टर पी है, दिस इज वेक्टर क्यू, तो ये दो अलग अलग वेक्टर्स हैं और इनको हमने, इनका जो रिजल्ट है उनको हमने एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज दिस वेक्टर. तो दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर. सो सिंपली वी विल से इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेक्टर देन दैट विल बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर. और डेफिनेशन इज सेम, अगेन आई विल टेल यू, इफ एडिशन ऑफ टू, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होगा, of two or more vectors are represented by a single vector, then it is the resultant vector. जो single vector होगा वो क्या होगा? Resultant vector होगा. अच्छा, इसके भी कुछ rules हैं, वो हम थोड़ा time बाद discuss करने वाले हैं. Explanation I've given, if P
and vector q are the two vectors, p and q are two vectors, then and r be the resultant vector, then vector r will be called as resultant vector and it will be equals to vector p plus vector q. Now next and very interesting part is the, and also important it is, addition of two vectors. Do vector ka hum addition kaise karte hain? उसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा रूल है कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम हमेशा जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर लेने वाले हैं, और दोनों जो वेक्टर्स हैं वो दोनों ऑर्डर में होने चाहिए और जो अपोजिट ऑर्डर होगा वो रिजल्टेंट होगा. ये रिजल्टेंट का आइडेंटिफिकेशन है बाय द डायग्राम, आई विल एक्सप्लेन दैट. सो यहां पे मैंने लिखा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है, इज ऑलवेज कहां से, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर. अगेन आई विल से कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया मेरा, फर्स्ट वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर हो गया, वेक्टर बी इज द सेकेंड वेक्टर, वेक्टर ए इज द फर्स्ट वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से कहाँ होगा, इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है ये वाला, एंड ये सेकंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, तो रिजल्टेंट ऑलवेज विल बी टेकन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर. वही चीज मैं यहाँ पे सेम ड्रॉ कर देता हूँ कि ये हमारा वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए से, एंड ये वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी. नाउ आई विल से वेक्टर ए का ये पॉइंट क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए, एंड दिस पॉइंट इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर. तो रिजल्टेंट हम हमेशा कहां से कहां लेंगे, इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर. तो ये हो गया, ये इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर है, ये टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट आर हो गया विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें याद रखना हमेशा कि जो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होगा वो कहां से कहां होगा, दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर. ओके, so this is first vector, this is second vector, this is initial point of the first vector, this is terminal point of the second vector, so resultant is given from here to here. तो ये हमारा क्या हो गया, resultant हो गया, and it is given by r is equals to a plus b. अच्छा, और एक part है which is very important here, point that you have to remember, in vector triangle रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा रिजल्टेंट है. लाइक आई विल से ये हमारा कोई वेक्टर बना हुआ है, इसमें रिजल्टेंट कौन सा है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में और इसी का कंटिन्यूएशन ये है, तो आई विल से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों कैसे हैं, ऑर्डर में हैं. तो जो अभी थर्ड वेक्टर अगर ऑर्डर में हम लेंगे, लाइक एक ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी, और तीसरा अगर ऑर्डर में हम बोलेंगे तो ये वेक्टर सी हो गया. नाउ ऑल वेक्टर्स आर इन ऑर्डर इस डायग्राम में, तीनों ऑर्डर में, तो इसमें कोई रिजल्टेंट नहीं होगा, इसका रिजल्टेंट जीरो होगा, कोई रिजल्टेंट होगा ही नहीं. तो आई कैन से कि इस केस में, लाइक इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक वेक्टर ऐसा है, ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों ऑर्डर में हैं, यहां भी ये दोनों ऑर्डर में हैं, तो उसका अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर ये हो गया, तो जो अपोजिट ऑर्डर में है वो हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर होगा.
तो कोई भी ट्रायंगल आपने देखा वेक्टर्स का, तो उसमें आपसे पूछा कि विच वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप क्या देखोगे? दो जो ऑर्डर में रहेगा उसके अपोजिट ऑर्डर वाला हमेशा क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। आई थिंक सो दिस पार्ट इज नाउ वेरी क्लियर। दो वेक्टर जो ऑर्डर में होंगे, लाइक आई विल से ये और ये ऑर्डर में है, इनके अपोजिट, अच्छा तीसरा वेक्टर ऑर्डर में ऐसे हो जाता, लेकिन ये नहीं है, तो ये जो है ये अपोजिट ऑर्डर में, तो जो अपोजिट ऑर्डर में होगा वो हमेशा रिजल्टेंट होगा। अभी यही चीज मैं पीछे वाले में चले जाऊं, आई विल से यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया कि एक हमारा पोजीशन वेक्टर OA है, दूसरा पोजीशन वेक्टर OB है, और तीसरा हमें वेक्टर AB निकालना है। अब वापस ये ट्रायंगल बन गया, तो हमें इसमें क्या दिख रहा है कि रिजल्टेंट कौन सा है? ये और ये दोनों ऑर्डर में हो गए, और ये जो अपोजिट ऑर्डर वाला है ये रिजल्टेंट हो गया। तो मैं यहां पे लिख दूंगा वेक्टर ओबी जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एबी, वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एबी इज इक्वल टू वेक्टर ओबी। और अगर सपोज हमें यहां से एबी निकालना है तो एबी क्या होगा? एबी चाहिए तो इसको इधर कर दे, तो ओबी माइनस ओए, ओबी माइनस ओए, दैट वी डिड ओवर हियर। ओके, सो दिस इज अबाउट द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही जो अभी एक्सप्लेन किया मैंने, यही ट्रायंगल है। मैंने यहां पूछा या बताया भी कि अगर कोई हमें ट्रायंगल दिखता है इन वेक्टर ट्रायंगल रेजोल्यूशन, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ऑर्डर टू द गिवन टू वेक्टर्स विच आर इन ऑर्डर, तो ये ट्रायंगल बन गया। यही हमें नीचे डिफाइन करना है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो वेरी सिंपल इट इज, जो हमने समझा है वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो आई कैन से इफ टू वेक्टर्स, हम बात कर रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी की, इफ टू वेक्टर्स ये और ये, इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और साइड्स कैसे हैं? टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज आल्सो, वेक्टर बोल रहे तो देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन बाय द, ये तीसरा साइड है, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। दिस इज द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगेन आई विल रिपीट दिस पार्ट, हमने बोला कि दो वेक्टर हैं और ये दोनों ऑर्डर में होने चाहिए, और वेक्टर जब भी हम बोलेंगे वेक्टर के साथ क्या ऐड होगा? वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। सो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में है, टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर है, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये पहला साइड है, ये दूसरा साइड है, ये थर्ड साइड है, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। सो द सेम स्टेटमेंट इज हियर, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द, ये ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और कैसे हैं? टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर है, इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन इनका अपोजिट ऑर्डर, ऑल्सो वी कैन से अपोजिट ऑर्डर, अगर ये तीनों ऑर्डर में होते तो ऐसे होते, ऐसे, लेकिन ये दो ऑर्डर में है और ये उसका अपोजिट ऑर्डर है। और इसके साथ मैंने एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ था कि कभी भी जब हम रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट कहां से कहां होगा? इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सेकेंड
वेक्टर. ओके, दैट्स एक्सप्लेनेशन इज हियर. लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर. आर बी देयर रिजल्टेंट वेक्टर विच इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. देन आर इज इक्वल्स टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू. ए प्लस बी दैट इज आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. बट अगर हम पी एंड क्यू लेते हैं इंस्टेड ऑफ ए एंड बी. चलिए मैं यहाँ पे भी डायग्राम में हमने ए एंड बी लिया है तो यहाँ पे भी हम लोग ए एंड बी कर लेते हैं. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और इसका एक डेरिवेशन होगा. वी विल कंप्लीट दैट. ओके, सो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वन आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज एंड यू पीपल कैन कमेंट ऑल्सो. आप लोग कमेंट करके, कमेंट तो बनता है ना, कि अगर आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया. अगर नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई वे एज वेल एज जो आप लोग के लिए हो सकता है वो हम लोग करेंगे. एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन इज देयर कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लोग को लिंक दिया होगा PDF का, जहाँ से आप लोग नोट्स, ये एंटायर नोट्स वट एवर आई एम टीचिंग यू दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर फॉर योर नोट्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो पैरेललोग्राम के बारे में हमें क्या पता है? व्हाट इज द पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ये दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स होते हैं, नीचे वाला और ये, और इसके बीच से यहां से क्या होता है, एक यहां से क्या होता है, डायगोनल होता है. तो ये एडजेसेंट साइड्स है. अब हम वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करेंगे. लाइक सिंपल वे विल से कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, ये अगर मैं रिजल्टेंट हटा दूँ अभी फिलहाल के लिए, तो ये मेरे दो साइड्स हैं, साइड्स ए एंड बी, सॉरी पी एंड क्यू. अब मैंने पी और क्यू ले लिया, ये जो है एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है. एडजेसेंट साइड, एक दूसरे से अटैच साइड, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो जो इनका रिजल्टेंट होता है इट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. तो सिंपल है कि ये और ये जो हमें समझना है वही हमें स्टेटमेंट पे बोलना है कि वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है. तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हम डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द पैरेललोग्राम. एंड ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, तो ये आर इज इक्वल्स टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू हो गया. अगर हम थोड़ा टाइम के लिए इस पार्ट को निकाल दें कि ये नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये लोअर पार्ट है जो ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ट्रायंगल ओ सी बी, तो इसमें ये वेक्टर पी है, ये वेक्टर क्यू है, ये वेक्टर आर है, तो ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया. तो दोनों का कंसेप्ट या रिजल्ट सेम आने वाला है, सिर्फ हम लोग यहां नाम चेंज हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो हाउ वी कैन डिफाइन, इफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू आर वेक्टर्स बोल रहा हूं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन their resultant vector is, vector बोला है तो vector के आगे बोलना हमें, is also represented in magnitude and direction. So their resultant vector is also represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. और diagonal start कहां से हुआ है? Starting from the common point of the vectors. दो वेक्टर कौन से थे? P and Q. इनके common point से start हुआ. That's all. That is the statement. फिर से एक बार repeat करते हैं. If two vectors P and Q are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of the parallelogram, then their resultant vector
इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द, ये क्या है, पैरलोग्राम का डायगनल है, बाई द डायगनल ऑफ द पैरलोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स. दैट सेम स्टेटमेंट इज हियर. जस्ट वी कैन सी इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरलोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड as well as direction by the diagonal of the parallelogram starting from the common point of the vectors. So explanation, same explanation I have written over here. Let in this OABC, OABC is a parallelogram. OA is equals to vector Q, which is BC, and OC is vector P. And we can say P and Q, that is OC and OA are the adjacent sides. OC and OA are the adjacent sides of the parallelogram. Let OB, which is the diagonal of the parallelogram, then according to statement, we can say vector R, that is the diagonal of the parallelogram, is equals to vector sum of the other two vectors, adjacent sides of the vectors. So R is equals to P plus Q. अभी और जैसे मैंने बताया कि अगर हम ये पार्ट स्किप कर दें तो ये हमारा पूरा जो है रिमेनिंग पार्ट इज द ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन, एंड इन दिस केस आर विल बी इक्वल्स टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू. तो दोनों सेम है. नेक्स्ट पार्ट इज द एनालिटिकल मेथड ऑफ पैरलोग्राम लॉ. बहुत आप लोग पढ़ते होंगे पैरलोग्राम लॉ का डेरिवेशन, तो डेरिवेशन हम करने वाले हैं यहाँ पे. और क्या क्या टर्म्स हैं, जस्ट थ्योरी पार्ट आई हैव ऑलरेडी मेंशन यहाँ पे, सो जस्ट आई विल एक्सप्लेन दैट वन एंड रिमेनिंग ऑल द डेरिवेशन पार्ट्स आई विल राइट. डेफिनेटली यू विल लाइक इट. सो वी हैव, इट इज एनालिटिकल मेथड ऑफ पैरलोग्राम लॉ. तो सबसे पहले हमें पैरलोग्राम चाहिए. ये वेक्टर हमारा पी, ये वेक्टर क्यू, विच आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरलोग्राम, और ये आर है, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर. अब इसका हमें वैल्यू निकालना है. एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. ये जो हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरलोग्राम, उनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा. एंड अल्फा टेल्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट एंड वेक्टर. अल्फा आर का डायरेक्शन बताता है. तो डायरेक्शन के लिए हम लोग अल्फा यूज करेंगे और एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर थीटा. तो आगे मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, प्रोड्यूस ओसी, ओसी को प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ा दिया, एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, लेट दे मीट एट पॉइंट डी, लेट दे मीट एट पॉइंट डी. वो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, प्रोड्यूस ओसी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, प्रोड्यूस ओसी, ओसी को आगे की तरफ बढ़ा दिया, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, लेट दे मीट एट पॉइंट डी. ठीक है. तो एक और चीज है, अब जब हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया तो ये एंगल, ये पैरलोग्राम के दो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, दिस वेक्टर क्यू एंड दिस इज आल्सो वेक्टर क्यू, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑफ द पैरलोग्राम. तो इनके बीच का एंगल थीटा था, तो यहाँ भी एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ. दैट आई मेंशन दिस एंगल इज थीटा बिकॉज दिस एंगल वॉज थीटा. ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया. Now we have to start with the proof. Proof में हम लोग पहले mention कर लेते हैं what informations are given to us. So just we have to focus on the diagram and whatever given part is there, just we'll see that. तो हमें दिया हुआ है vector OC is equals to vector AB, which is vector P, and vector O A is equals to vector BC is equals to vector Q. This part I have written. OC is equals to AB, which is P, and OA is equals to CB. CB BC CB CB right, not BC because direction change ho jayega. It will be CB CB. Okay. CB, CB is vector Q, and vector OB क्या है हमारा, what is vector OB, OB is R,
vector OB is R. These all the terms are given to us. R is the resultant vector. इतना part हमें दिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग इन एक additional काम कर लेते हैं. क्यों करते हैं? वो बाद में आपको समझ में आएगा. In triangle, we are taking triangle CDB, right angle triangle CDB. In right angle triangle, now in right angled triangle CDB में मैं additionally sin theta और cos theta apply कर लेता हूँ, तो मुझे sin theta क्या मिलेगा? What will be sin theta in this triangle? तो theta ये है, ये right angled triangle हो गया. Sin theta क्या होता है? Opposite upon hypotenuse. तो opposite side हमारा BD है और hypotenuse क्या है? BC है. तो BD by BC. Sin theta will be BD by BC. तो BD क्या है हमारा? What is BD? BD is BD and BC is BC क्या है? What is BC? BC is Q. Vector Q नहीं लिख सकते because हम ये trigonometric ratio find out कर रहे हैं, तो इसको vector में नहीं लिखना है. तो BC क्या होगा? What will be BC now? BC, Q इधर चला जाएगा. So BC will be Q sin theta. So BC will be Q sin theta. This I will take it as equation number 1. This is our equation 1. And in this triangle only we will take the cos theta. अब हम cos theta की बात करें in this triangle. तो also I will write cos theta. Cos theta क्या होगा इसी triangle में? Cos theta. इस triangle में cos theta क्या होगा? Cos theta is adjacent upon hypotenuse. तो adjacent हमारा क्या है? CD है. और hypotenuse क्या है? CB है. तो CD upon CB. तो cos theta will be CD upon CB. तो okay, CD upon CB. But what is CD? CD हमें पता नहीं है, वही find out करना है. और CB क्या है? CB is vector Q. तो CD क्या मिला? हमें मिला CD. CD becomes Q cos theta. Cross multiplication कर दिया. Q cos theta. It is our equation number 2 से. दोनों की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं पहले निकाल ले रहा हूँ. CD. CD चाहिए था ना, तो Q इधर लेके आ गए. तो Q cos theta is equals to CD. We will utilize these two results. अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज है कि हमें क्या चाहिए था? हमें पता क्या है? ये वेक्टर P है नीचे वाला और ये वेक्टर Q है, इनके बीच का एंगल थीटा है. तो रिजल्टेंट क्या होगा? एक सीधी सीधी बात करें अगर हम लोग कंसेप्चुअल बात करें, तो अगर P हमारा ऐसा है और Q ऐसा है, या हम बात करें P ऐसा है Q हमारा ऐसा है, तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा लाइक दिस, या एनीवे हम लोग बात करते हैं P हमारा ऐसा है और Q भी इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों का एडिशन अगर मुझे करना है रिजल्टेंट, तो P प्लस Q सीधा सीधा मिल जाएगा. तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो इनके बीच का एंगल जीरो हो गया. तो अगर जीरो डिग्री है तो हम सीधा सीधा R को क्या लिख देंगे? वेक्टर P प्लस वेक्टर Q. यही चीज मैं इस डेरिवेशन में फार्मूले के थ्रू लाना चाहता हूं. दैट इज माई कंसर्न. वही हमें करना है कि एक जनरल एक्सप्रेशन लेना है. अब सीधी सी बात है, अगर दोनों वेक्टर, ये नीचे का वेक्टर P है ऊपर का Q है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का जो होगा डायगोनल, अगर मैं ऐसे बात करूं, एक वेक्टर हमारा ऐसा है दूसरा ऐसा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अब ये मेरा वेक्टर P था और ये वेक्टर Q था, तो ये भी वेक्टर Q हो गया. अब वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इस ट्रायंगल में देखे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल. और यहाँ पे थीटा मेरा 90 डिग्री है, तो थीटा के हम बात छोड़ दें, 90 डिग्री. तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसमें हम सीधा सीधा पाइथागोरस लगा सकते हैं. तो आर स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. तो ये सारे टर्म्स आने चाहिए हमें एक एक्सप्रेशन के थ्रू, जनरल टर्म. अच्छा, मैंने दो चीज़ें बोली, पहले केस में बोला जीरो है, दूसरे केस में बोला 90 है, तीसरे केस में मैं 180 बोल देता हूँ, 180 डिग्री. तब तक तो ठीक है बिकॉज ये तीनों के एंगल्स हमें पता है और सीधा सीधा हम ऐड कर सकते हैं. बट अगर
30 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो हमारे पास उनके वैल्यूज नहीं है, तो हम जनरल एक्सप्रेशन से नहीं बता सकते, ठीक है, डायरेक्टली वी कांट ऐड, या फिर हम उसका पाइथागोरस नहीं अप्लाई कर सकते, तो उस केस में दूसरा कुछ आएगा। तो उसके लिए हमें एक जनरल एक्सप्रेशन का डेरिवेशन करना है। सो हम डिराइव करेंगे, तो हमें R चाहिए, हमें पता क्या क्या है, मैं फिर से वही डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ, हमें पता रहेगा वेक्टर P, हमें पता रहेगा वेक्टर Q, हमें पता रहेगा उनके बीच का एंगल थीटा, तो उनका रिजल्टेंट, अब हम रिजल्टेंट सिर्फ तीन टर्म्स में निकालेंगे, P, Q एंड थीटा, P, Q एंड थीटा जो नोन है उसी टर्म्स में ना, तो वी विल फाइंड आउट, सो वी कैन राइट। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ओके, इतना हमें पता हो गया, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आर चाहिए ना, आर चाहिए हमें रिजल्ट एंड वेक्टर, उसी लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, इसका नाम क्या दे दें, ओ डी बी, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ डी बी, ओ डी बी, ओ डी बी में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, सो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ डी बी बोला है मैंने, राइट इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारा हाइपोटेनस क्या है, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर विल बी ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, सो ओ बी स्क्वायर विल बी ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। अब देखें ओ डी क्या है हमारा, व्हाट इज ओ डी, ओ डी इज ओ सी प्लस सी डी, अप्लाई करते हैं, सो इट विल बी ओ सी प्लस सी डी टू द होल स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, बिकॉज फिर से रीजन दे दूं मैं, ओ डी क्या है हमारा, ओ डी इज ओ सी प्लस सी डी, तो ओ डी की जगह हमने ओ सी प्लस सी डी कर दिया। अब ये ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब सी डी स्क्वायर प्लस ऑलरेडी डी बी स्क्वायर है, राइट अब अगर हम इस पार्ट की बात करें, दिस पार्ट, कौन से पार्ट की, सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इन दिस ट्रायंगल, सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, दैट वी कैन से दैट इज सी बी स्क्वायर, बिकॉज ये और ये राइट एंगल का एक पार्ट है ना, तो दैट विल बी सी बी स्क्वायर, तो इंस्टेड ऑफ दिस वन वी कैन राइट सी बी स्क्वायर। अब ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस टू ओ सी इंटू सी डी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर का टर्म हमारा क्या हो गया, दिस टर्म बिकम्स, ये वाला टर्म क्या हो गया, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, राइट बी सी स्क्वायर हो गया। तो अब हम सबके वैल्यूज डाल दें, सो ओ बी हमारा क्या है, ओ बी इज आर, सो आर स्क्वायर, एज वी कैन सी ओ बी इज आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर, ओ सी इज पी, हम सबका मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, तो पी स्क्वायर प्लस टू, वापस से ओ सी है, ओ सी इज पी, ओ सी इज पी इंटू सी डी, सी डी अभी तक हमें पता नहीं है, सी डी हमें पता है क्या, सी डी नहीं पता, वेक्टर के टर्म में तो नहीं पता, राइट प्लस बी सी, बी सी स्क्वायर है, तो बी सी क्या है हमारा, क्यू है, बी सी क्यू है, तो प्लस क्यू स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम हो रही है कि सी डी क्या है, सी डी, सी डी हमें नोन नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, हमने बताया था कि हमें आर फाइंड आउट करना है, और R जो रिजल्टेंट है वो कौन से टर्म में होना चाहिए, P के टर्म में होना चाहिए, Q के टर्म में होना चाहिए, और थीटा के टर्म में होना चाहिए, तो P, Q, P,
थीटा नहीं आया और सीडी भी नहीं चाहिए, तो सीडी का क्या करें? यहाँ पे इक्वेशन टू में हम देखें सीडी हमारा क्या है, क्यू कॉस थीटा है, तो क्यू मिल गया ना, सीडी के जगह हम क्या डाल दें, क्यू कॉस थीटा। सो वी कैन राइट राइट नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस टू पी, सी डी हो गया हमारा क्यू कॉस थीटा, ये सी डी का वैल्यू है, प्लस क्यू स्क्वायर। आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन टू ओके फ्रॉम इक्वेशन टू। तो ओवरऑल हम आर को क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। अब अगर हम बात करें केसेस की, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल जीरो हो जाता है, थीटा बिकम जीरो, लाइक तो केसेस हैं हमारे, हम लोग पहला केस लेते हैं, तो केसेस में फर्स्ट केस ले लेते हैं हम लोग, केस वन, कि इफ वेक्टर पी एंड क्यू आर इन सेम डायरेक्शन में हुए, या सिंपली वी विल से इफ थीटा इज इक्वल्स टू, इतना नहीं लिखते, इफ थीटा इज जीरो डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री, सिंपली वी आर टेलिंग थीटा जीरो हो गया। तो इसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन अगर हम देख लें कि पी ऐसे है और वेक्टर क्यू हमारा ऐसे है, तभी तो दोनों के बीच का एंगल जीरो हुआ ना, दिस इज वेक्टर पी एंड दिस इज वेक्टर क्यू, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हम क्या करेंगे, इनको सीधा सीधा ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ये आर हो जाएगा, सो आर विल बी वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। तो ओवरऑल बाय दिस रिजल्ट अगर थीटा जीरो है तो हमें आर मस्ट बी इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, वो हमें देखना है। अच्छा, यहां कॉस थीटा है और यहां थीटा जीरो है, तो cos 0 क्या होता है, cos 0 इज 1, दैट इज नोन टू अस, सो वी कैन राइट सिंस r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, cos 0, मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ कि मैंने ये रिजल्ट यूज़ किया और थीटा हमारा 0 हो गया, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos 0 इज 1, सो दिस पार्ट इज 1, cos 0 इज 1, सो ये 1 हो गया, तो हम सीधा सीधा क्या बचा, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, राइट, बिकॉज cos 0 बिकम्स 1, विच वी कैन राइट, ये क्या हमारा a square plus b square plus 2ab, that can be written as a plus b to the whole square, so it is p plus q to the whole square, which will be, therefore r is equals to simply p plus q in vector form if we wish to write. तो ये हमारा justified हो गया कि हमने जो derivation किया है that is correct. Now second case we can apply, case 2, और केस टू में हम क्या कर सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल हम 90 डिग्री डाल देते हैं, तो इफ थीटा इज 90 डिग्री और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 इज जीरो। सो अब मैं बात करूं कि ये हमारा वेक्टर पी है, दिस इज वेक्टर पी एंड दिस इज वेक्टर क्यू, राइट, दिस इज वेक्टर क्यू, तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें आर निकालना है, आर तो हमारा कुछ ऐसे होने वाला है, राइट, ये हम आर ले लेते हैं, तो आर हो गया, सो वेक्टर पी एंड क्यू के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं तो ये भी पार्ट मेरा वेक्टर क्यू हो गया, दिस
आल्सो बिकम वेक्टर क्यू, और ये एंगल थीटा हो गया। तो आई कैन से आर जो है, अभी वेक्टर पी इधर है, वेक्टर क्यू इधर है, आर यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ले, तो आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। लेकिन क्या हमें वो वाला पार्ट इस फार्मूले से मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट वी हैव टू सी। तो वी कैन राइट सिंस आर इज रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस 90, वी कैन से सो कॉस 90 इज जीरो, सो आर विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एंड कॉस 90 इज जीरो सिंस कॉस 90 इज जीरो, सो एंटायर टर्म विल बी जीरो। सो ओवरऑल हमें क्या मिला, आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट वी गेट राइट। अभी केस थ्री हम लोग डाल देते हैं, केस थ्री, व्हाट विल बी केस थ्री, केस थ्री कि अगर थीटा 180 है, आई विल से कि ये वेक्टर पी है हमारा, दिस इज वेक्टर पी, और ये वेक्टर क्यू है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा बिकम्स 180 एंड कॉस 180 इज माइनस 1, दैट्स वी नो कॉस 180 इज माइनस 1। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, अगर हम ऐसे देखें तो जो लाइक वेक्टर पी बड़ा है, वेक्टर क्यू छोटा है, तो जिसका डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, बड़े मैग्नीट्यूड में से हम छोटे मैग्नीट्यूड को माइनस कर लेंगे, तो रिजल्टेंट हमें पी माइनस क्यू मिलेगा। सो दैट वी कैन से, तो वी कैन राइट सिंस आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। यहाँ केस थ्री में मैंने मेंशन नहीं किया कि थीटा इज 90, थीटा इज 180 डिग्री, ओके, सो आर विल बी रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस 180, एंड कॉस 180 इज माइनस 1, सो इट विल बी रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, विच विल बी रूट ऑफ पी माइनस क्यू टू द होल स्क्वायर, बिकॉज ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर इज वॉट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो रूट और ये पार्ट विल गेट कैंसल, रूट और स्क्वायर है ना, तो रूट से बाहर आ जाएगा, सो आर विल बी सिंपली वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इन वेक्टर फॉर्म इफ वी विश टू राइट। तो ये हमारा तीसरा केस हो गया। अच्छा, केस में मैंने ये मेंशन नहीं किया है कि इफ थीटा इज 180 डिग्री, दैट्स ऑल। तो ये हमारे तीन केसेस हो गए। नाउ हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, और हमने बताया था कि डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा। अल्फा इज द एंगल विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आई हैव मेंशन, डायग्राम इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो फॉर रिजल्टेंट डायरेक्शन, कभी भी किसी भी चीज में, एंटायर फिजिक्स में जब हम लोग कभी भी पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, लाइक इन ट्वेल्थ में आएगा एसी सर्किट्स एंड ऑल, तो उसमें भी हम लोग जब रिजल्टेंट लेंगे ना, तो किसी भी डायग्राम में अगर रिजल्टेंट लेते हैं और एंगल है उसमें, तो हम हमेशा टैन लेते हैं डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे कि फॉर रिजल्टेंट डायरेक्शन इंटर एंगल टैन अल्फा लेंगे। तो ट्रायंगल हमारा क्या है, ओ डी बी में टैन अल्फा। तो जस्ट वी विल राइट हियर कि हियर फॉर डायरेक्शन व्हाट विल गेट, टैन अल्फा मेंशन किया हुआ उतना पार्ट, तो टैन अल्फा क्या होगा, बी डी टैन अल्फा, टैन क्या होता है, इन ट्रायंगल, वो ट्रायंगल भी मैंने मेंशन कर दिया, तो टैन अल्फा कौन से ट्रायंगल में, ओ डी बी, इसमें टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा या टैन अल्फा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट हमारा क्या है, बी डी है,
और एडजेसेंट क्या है, ओडी है, तो क्या आएगा, बीडी अपॉन ओडी, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, बीडी अपॉन ओडी। अब फिर से हम देखें ओडी हमारा क्या है, ओडी इज ओसी प्लस सीडी, ओडी इज बीडी अपॉन ओडी इज ओसी प्लस सीडी, ओसी प्लस सीडी। सो टेन अल्फा विल बी बीडी हमारा क्या है, ऑलरेडी ये रिजल्ट मैंने यूज किया है यहाँ का, जो दो ट्रायंगल लिया था ना, ट्रायंगल में, ट्रायंगल में क्या हमारा बी सी क्यू साइन थीटा है और सी डी क्यू कॉस थीटा है, वही रिजल्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बी डी क्यू साइन थीटा और सी डी क्यू कॉस थीटा, क्योंकि बी डी और सी डी फिर से आए इसमें, और हमने बताया था कि हमें क्या पता रहेगा, एंगल्स पता है, कौन कौन से अल्फा सॉरी एंगल्स पता है दो वेक्टर्स के बीच का और दो साइड्स पता है, दैट इज वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। तो टेन अल्फा हमारा क्या हो गया, टेन अल्फा विल बी ऑलरेडी बताया बी डी अपॉन ओ डी, बी डी अपॉन ओ डी, बट बी डी इज बी डी एंड ओ डी इज ओ सी प्लस सी डी, ओ डी इज ओ सी प्लस सी डी। अब हमें बी डी यहाँ से पता हो गया क्यू साइन थीटा और सी डी पता हो गया क्यू कॉस थीटा, वो मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। तो टेन अल्फा बी डी के जगह हम क्या लिख दें, क्यू कॉस थीटा, सॉरी बी डी, बी डी था ना, हाँ बी डी, बी डी इज क्यू साइन थीटा, तो बी डी इज क्यू साइन थीटा अपॉन ओ सी इज, ओ सी इज पी प्लस सी डी इज क्यू कॉस थीटा। आई विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, सो वी गेट टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, एंड अल्फा विल बी टेन इनवर्स ऑफ, एक्चुअली हमारा डेरिवेशन यहीं पे, ये मेन पार्ट है, हम यूजुअली टेन अल्फा ही निकालेंगे, बट अगर सिर्फ अल्फा निकालना हुआ तो इनवर्स फंक्शन लिखते हैं, तो इट विल बी टेन इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, राइट, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर आवर डेरिवेशन। ओके, सो इन दिस वीडियो वी कंप्लीट टुडे द डेरिवेशन फॉर द, स्पेशली वेक्टर्स का डेरिवेशन फॉर द पैरेललोग्राम लॉ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज देयर इज द रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।